हेलो मालती देवी। लो मा, ये मंगराजे की भला अच्छा मो भलो मंद बुझिबा भूली जा नीचे निजर भलो मंद कथा भा हे लो तो मोरे छेप पके आइला परथु मुहा मो भलो मंद कथा भाबु हेती मंगराजे ते कथाटा मो माँको दायित्वरे अछि ता थरम बप्पा गोइठा मारी काढ़िया परे तू अनाथ होई गलु ना केही तो मोहको चाहिले नै सेथि पै पकेला छेपकु चाटिलु ना फेड़े जाई कि निरुपम रायर गोड़ा धरिलु मु गोड़ा धरिछि कि चुट्टी धरिछि सेटा तोर जानिबा दरकार नै मने पका दिने तते मु कहिथिलि राजनीतिटा कोनसी सिनेमा शो नुहे जे आज रिलीज हेइछु आउ काली के तमे स्टार हेइछु स्टार हाँ की एठे पहाच परे पहाच चढ़िबा को हुए ओहो आउ हाते मापी चाखेंडे चलिबा को पड़े तू एमती चाहिथिबु मो उप मुख्यमंत्री हेबी आउ तापरे मुख्यमंत्री मारण सेते बळे देखियो तू कोठी आउ मु कोठी हेलो तू सपना देखु जे जे हेले सपनाटा सपन है कि अछि निद भांगिले देखा देखी हबानी एबे जदी तू होश रे अछु ताले मम्मी पक्का तू कूठी आउ मु कूठी मु एबे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली सॉरी नॉट येट हे न उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन हबार अच्छी आग है सारे ता परे कथा हबा ना कौन कहलो ता परे तो मो सहित तो कथा नहीं नहीं ता परे तू मो ना सुनिले डरिबो डर की को कोड़ा रे लुचिबो तते तो ठीक ठिकाणाटा मु सेते बेले बतेबी बुझलो सेइति पाई तते कहुची आजि ठु तो निज कथा भाबिबा आरंभ कर सेते बेले तोर को मा आई मीन रत्ना देवराय कि वृंदावन नायक तो पिठिले पड़िबेनी ए मोहन महाराज ए सन हेलो हेलो हिजरा कोठी करा मेरा सेटा रत्न देवराय घर से निज पैसा रे तैयारी करछि मालिकाना बिता ता घरे आनि से काहाकु रखिबो काहाकु न रखिबो सेटा ता पर डिपेंड करे से विषय रे प्रश्न उठिया पई तमे कि मु कि पा तू तो ऑफिस रे ऑफिसर ही काम करियो तते ऑफिस रे पहुंचा पर तो ऑफिस छुट्टी हो जाए मु कोन करबी अरे तू कंप्यूटर सिखिबो कंप्यूटर कोर्स सिखिबो आमो ऑफिस पाखरे गोटे कंप्यूटर इंस्टिट्यूट अछि सेठी गोटे वर्षर कंप्यूटर कोर्स करिवो पापा तो जाने जो मु जामिन रे आसी छी जदी पूर्ण कोन हे गेला तते बले
ଓହୋ ବିଭୁ, ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିସାରିଲି, ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁ? ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଲଗା ଲୋକଟା କିଏ? मिस्टर आदित्य देवराय, ते निजे एबे जाई जेल रे सडुचंती, भलो हबो तू भी सेठी की पड़ा, ती जणे जाको एकाठी रहिबो। ती जणकर टाइम पास भी हबो। रेणुका राय, तमे एबे आम ऑफिस पाखरे गोटे कंप्यूटर इंस्टिट्यूट अच्छी बोले कहिलो जे, तमरो से ऑफिसटा कोटा आद्यासा टेक्सटाइल। अरे तू तो सेठी चाकरीटे करिथिलु बोली सुनीथी, या भितरे तू से कंपनी रो मालिकाणी के बैठो है गलु? मु आज भी चाकरीणी ही अछि, आगुरु मैनेजर पोस्ट रे चाकरी करथिली, आउ एबे मैनेजिंग डायरेक्टर हिसाब रे काम करि कौन? आदित्य देवराय जेल गला परे रत्ना देवराय तते प्रमोशन दे सेठी बसई चंती काई? तांको कौन लोक मिललेनी? मामा तो 4% कर देबे बोली कहुतिले, अपा मना कले, तेणु बाध्य है मैनेजिंग डायरेक्टर कले। कथाटा हैला एटा हमारो फैमिली बिजनेस, तो एबे बड़ भाई नाहंती, तेणु तांका स्त्री हिसाब रे तांका दायित्व रेणुका पतुले बे। ये आदिर स्त्री नुहे। से दिन मामा कौन कहले सुनिलो नि कि सीए ए घर रा बड़ बहु? ना सीए नुहे, मु ए घर रा बड़ बहु। पापा घरर बहु हेबाकु हेले प्रथम ताकु स्त्री हेबाकु पड़ियो। मु आदिर स्त्री केवल कथा रे काम रे नै। तमे जदि बड़ भाई का स्त्री हे था तो ताहले मिछ केस रे पुलिस डके तांकु अरेस्ट करे ना था। तमो बापांकु कहि तांकु जेल पठेबा व्यवस्था करि ना था। मिछो केस नुहे, आदि ही बिनी को गुली मारछी। पापा गुली के मारी सेटा ए घर समस्ते जानी छंती, कहू ना पार्टी खोलेले कौन कौन गुमर फिटिब सेटा तमें बहुत भल भाव जानी छो, तेणु अजथा कथा न बढ़े जहा होउछि हबाकु दियो। रेणुकापा तमे जाओ, आज प्रथम दिन डेरी करनी। आ हाँ, फेरिला बेलू प्रमोशन मिठाटा जमी हेले नहीं आसब। नंदिनी मु ता सहित कथा होतली, तोर कौन दरकार थिला आमो कथारे मुंडो पुरेबा? तम कथा तांका कथा जहा कथा भी एटा आम घर कथा, आउ मु ए घर बो, तेणु घर मर्यादा हानि न हो सेटा देखिबा मो काम। कथा आरंभ रु मु मुंड पुरे, तेणु कथाटा कथारे कथारे फुटिगा, नहले कथाटा आग को बढ़ी जबार संभावना थिला। कथा आग को बढ़ी थिले कहारी भल ही न था, बुझी पार छ त?
यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। प्रीतेश रो रिपोर्ट को देखिले जे के कहबो एटा गोटे सुस्थ लोक रो रिपोर्ट। तो फैक्ट हो छि प्रीतेश सेबे भी कथा कहि पन कि निजो गोटे ठीक पन। तो बुझियो कहबो जे हम डायग्नोसिस रे किछ ना किछ भूल अछि। ओ सही भूलटा खोजिय पई संपर्क आसी बि रे। सर आपण जोटी भूलटा खोजि बाहर करि पन ना मु केमते खोजि पई कौन करबी किछ बुझि पन ने आबु छि मिस्टर जगदेव को कहि देबी। कौन कहबी ये केस रो ट्रीटमेंट मो द्वारा हो पार तो से देखे मुझे अलग कथा भावु सर कौन सर रितेश एक्टिंग करनी तो हाँ एक्टिंग अभिनय सुस्थ थी असुस्थ हमारे अभिनय कहीं कर डिफरेंट क्वेश्चन किंतु जन कर दीदी गोड़ ठीक थी जन व्हील चेयर में बुलवा कथा कहार सामर्थ्य थी चुप रहा सहज कथा नुहे इतने कष्ट कहीं करूटा भी जानक पड़ मुमक आगर कही मीरा डेपुटी सी एम भाव शपथ पाठ कह पर्यटन तुम कपर कम तमर मोर दिन गड़ी चली मोहन कहीं कि तो हूँ कहीं से कथा तुम्हें मत पचार मु तुमको पचारे डाड को पचार से ही ठीक कहीपरिवे दिन कहीं हाँ जदि किसी जरूरी अच्छी यथाशीघ्र मत मंत्रिमंडल सामिल करने तुम राय साहेब को प्रेसर पका दिस इज अनफेयर मोहन तुमको डेप्युटी सीएम करने जड़े लोक तलु ऊपर जाए धा दौड़ चल तमे एठी घरे आराम रे बसचो निजे भाविल पार्टी रु कि सरकार आउ किए तुम पार्टी खोलू जी भी पार्टी खोलू तुम विरुद्ध कहू निजपी तमें भी किछ करिबा दरकार तमर लबी कहीं मंत्रिमंडल किए रहा मुख्यमंत्री इच्छा अन्य का पाखे मु लबी करी कहीं मोहन तमें निजे मेच्योर नुह ना मत इमेच्योर बोली भावुच तमें जो सरकार सामिल हवा कथा कह से सरकार सब निष्पत्ति दल हाईकमाण नि से कथा तुमको बुझे कहवा दरकार ना हाईकमाण को गुड बुक न रहिले तमे राजनीति में पछरे पड़ डैड तुमको केते आगो उठाणी मत आगो को न टाणिले से निजे पछरे पड़े एंड यू नो व्हाई and how एटी दलिया लबी मागणा रे होइनी टंका दियो देखियो मो पई केते लोक पार्टी करछन एबे अन्य कहारी को भीतर को छाड़ी मो पाख को अन्य कॉल भी ट्रांसफर कर मैडम आपण जहाँ कहते से विषय टे भाविबा पड़ी।
ଭାବିଲେ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ବି ବୁଝି ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହବ। ହଉ ବିରୋଧ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜନତାଙ୍କଠୁ ପାର ପାଇବା ସହଜ ହବନି। ଯିଏ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହବ ତାକୁ ଜନତା ହଟେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ, ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କେହି ଆଗକୁ ଆସିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏନଗେଜ୍ କରିଛି ସିଏ ଖବର ଦେଇଛି ଯେ ରତ୍ନା ଦେବରାୟ ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଇଛି? ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍। ଜୟ ହୋ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ପାଖକୁ ଯିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଚପ୍ରା ସହିତ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବ? ମିଟିଂର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ସାର୍? ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଖବର ପାଇଲେ କହିବି। ହଁ ସାର୍, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଆଉ ସାଧନା ସାହୁ ଏବେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯେ ଖବର ନା ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଗୋ କ୍ୱିକ୍ ସାର୍। ରତ୍ନା, ମାଳତୀ, ସାଧନା, ଏମାନେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି? ଚାଚୁରା ବି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ମୀରା ତ କିଛି କହିଲା କି? ହଁ, ସିଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା? ରେଣୁକା କହିଲା। ହଁ, ସିଏ ରେଣୁକା ବାପାଙ୍କୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ପଚାରିଲା, ତ ରେଣୁକା ବାପା ବି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲେ। ଖାଲି ରେଣୁକା କହିଲା, ତୁ କିଛି କହିନୁ? କହିଛି ଯେ, ହେଲେ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି କହିନି, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ମୀରା ବୁଝିଗଲା ତ? ସିଏ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେନି ତ। ତାପରେ ବାହାରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଏ ଯାଏଁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ, ରେଣୁକାଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏ ଘରେ ତୁ ଥିବା ଯାଏ ମୀରା ଆଉ ତା ଖେଳ ଖେଳିପାରିବନି। ମାମା, ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ କଥା ହେଲେ ଅଲଗା, ତା ନହେଲେ ନା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାରେ ପାରିବ ନା ହାତାହାତିରେ। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ କାନି ଆଣି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଦେବା ଦେଖିଲେ ସେ ପରା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନ ରହେ। ହଉ, ତୁ ମାଣିକୁ କହିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇ କପ୍ କଫି ପଠେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ଚାଲ।
ହେଇଛି ମତେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଜଣାଅ। ମୁଁ ତମ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏଠି ସିଫ୍ଟ କରିବି। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣିନ? ସରି ଦିଦି, ତିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ଚିକିତ୍ସାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ଦେବି ମଧ୍ୟ। ବାକି ରହିଲା ତାକୁ ଏଠି ସିଫ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମୋ କାମ, ଆପଣଙ୍କର। ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ? ତମେ ନିଜେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ତମେ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ? ଟଙ୍କା କାହିଁ ତମ ପାଖରେ? ଭିକ ମାଗି ଆଣି ଟଙ୍କା ଦେବି? ହେ ତମ ପାପ ଧନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି? ତମକୁ ଏଠି ଭିକ ବି ମିଳିବ? ୟୁ ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି, ଦାତା ହେଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭିକ ମୋତେ ମିଳିସାରିଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଥା ହେବା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଡିସଚାର୍ଜ ବେଳେ ହିସାବ କରିବେ।